दरअसल दुआ का लफ्ज आम है और उससे जब दुआ का कलिमा आए तो किताब व सुन्नत के अंदर दो मानों में से कोई एक माना ज़रूर मुराद होता है। एक है दुआउल मसअला, एक है दुआ अल मसअला और दूसरा है दुआ अल इबादा, दूसरा है दुआ अल इबादा। तो दुआ का कलिमा नुसूस में वारिद होता है, नुसूस में आता है और इन दो मानों में से कोई एक माना मुराद होता है। कभी दुआ इबादत मुराद होती है दुआ बोल करके, और कभी दुआ मसअला यानि सवाल, दुआ मसअला मुराद होता है। क्या है दुआ इबादत और क्या है दुआ मसअला? दुआ इबादत अल्लाह की तारीफ, रब्बे करीम की किबरियाई, उसकी हमदो सना, उसकी बड़ाई और बुजुर्गी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के की खूबियाँ, उसके कमालात, उसके अफ़ाल, ये सारी चीज़ों का बयान है, तज़किरा है, तो उसको क्या बोलते हैं? दुआए इबादत, दुआए इबादत। यानी हम अपने पैदा करने वाले को याद करते हैं उसके नामों के साथ, उसके सिफात के साथ, उसके अफ़ाल के साथ, और उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी बड़ाई बयान करते हैं, उसकी बुजुर्गी बयान करते हैं, उसकी हमदो सना बयान करते हैं। ये जो कुछ भी हम करते हैं कुरानी आयात की रोशनी में या नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूर दुआओं की रोशनी में या अपनी ज़ुबान में, अगर जो कुछ हम कह रहे हैं उसका मज़मून अल्लाह रब्बुल आलमीन की खूबियों से मुताल्लिक है, उसके कमालात से मुताल्लिक है, उसके औसाफ और उसके नामों और उसके अफ़ाल से मुताल्लिक है, तो उसको कहा जाता है दुआए इबादत। देखिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुआ है कि नहीं? कौन सी दुआ है? दुआ इबादत। अर्रहमान अर्रहीम दुआ इबादत। कौन सी दुआ है? दुआ इबादत। मालिक यौमिद्दीन दुआ इबादत। यह तो हो गया दुआ इबादत की का मफहूम। दूसरा है दुआए मसअला, दुआए मसअला, मसअला यानि सवाल करना। बंदा अपने रब की एक तरफ उसकी किबरियाई बयान करता है, उसकी हमदो सना बयान करता है, उसकी खूबियों और उसके कमालात को ज़िक्र करता है, वहीं पर वो अपनी हाजतों को भी रखता है, अपनी ज़रूरतों को भी रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता है, दुनिया और आखिरत की भलाइयां तलब करता है। कुछ मुश्किलात उसके सामने हैं, उन्हें दफ़ा करने के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाता है। तो बंदे जो अपने लिए तलब करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हर चीज़ के ख़जाने हैं और बंदों के तलब को ज़ाय नहीं करता, जैसा कि गुज़र चुका, तो बंदे की जो तलब है खैर से मुतालिक, वो खैर दुनिया से जुड़ा हुआ हो या आखिरत के मसाइल से जुड़ा हुआ हो, अगर बंदा ये सवाल करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तू हमें अता फरमा, तो हमारे ऊपर नवाजिश कर, तो ये भी दुआ ही है, लेकिन ये दुआए सवाल है, दुआए मसाला है।
अब सूरह फातिहा जिसकी 3 आयतें अभी आप लोगों ने ज़िक्र की मालिक यौमिद्दीन तक, और ये बताया कि ये दुआए इबादत है, उसके आगे कौन सी आयत है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नअबुदु में बंदा कुछ मांगता है अपने रब से? नहीं, वो रब की इबादत कर रहा है, वो उसका मुस्तहिक है हमारा रब, वो अकेला मुस्तहिक है। तो ये दुआए इबादत है। वो इय्याका नस्तईन और ये क्या है? दुआए मसला है, बंदा मांगता है अपने रब से। उसके आगे कौन सी आयत है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहाँ भी मांग रहा है बंदा अपने रब से, दुआए मसला, सवाल कर रहा है। आगे सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वो ऐसा रास्ता मांग रहा है जो रास्ता रब्बे करीम की रज़ा को अता करने वाला हो, देने वाला हो, और वो रास्ता कि जिस पर चल करके इंसान भटक जाए या उससे रब की रज़ा के बजाय उसका गज़ब हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता है कि अल्लाह इन सब चीज़ों से तू हमें दूर फरमा। ये भी दुआ ही है, लेकिन कौन सी दुआ ही है? दुआ मसला। तो पूरी सूरह फातिहा क्या है? दुआ है। पूरी सूरह फातिहा, पूरा कुरान दुआ है, पूरी नमाज दुआ है। अभी मैंने जैसे सूरह फातिहा के ताल्लुक से एक एक करके आपको बताया, ऐसे ही पूरी नमाज के बारे में आप गौर करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि 2 बातें नमाज में हैं। बाज़ जगहों पर बंदा अपने रब की तारीफ़ करता है, उसके औसाफ़ बयान करता है, उसकी खूबियों और कमालात का तज़किरा करता है, और बाज़ जगहों पर आपको ये मिलेगा कि बंदा अपने रब से कुछ मांगता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, मांग रहा है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, मांग रहा है ना। तो या तो अपने दीन और दुनिया की भलाई के खातिर रब्बे करीम से कुछ तलब करता है, और या फिर उसकी खूबियाँ और उसकी तारीफ़ और उसके औसाफ़ हमीदा और बड़ाई और बुजुर्गी को बयान करता है। क्या तीसरी भी कोई चीज़ नमाज के अंदर होती है? मुकम्मल दुआ पर मुश्तमिल है ये नमाज, मुकम्मल दुआ पर मुश्तमिल है नमाज। तो दरअसल अभी जो गुफ्तगू चल रही है कि दुआ और ज़िक्र, दुआ और ज़िक्र, मैंने दुआ का ये मफहूम जो ज़िक्र किया ताकि आप समझ सकें कि दुआ का इतलाक़ बहुत वसी है, बहुत कुशादा है, और दोनों हालतों पर इसका इतलाक़ हुआ है, दोनों पर बोला जाता है। लेकिन जब 2 कलिमात इकट्ठे आ जाएं, ये तो अकेले है कि दुआ का लफ्ज़ अकेले आया हुआ है, तो उससे क्या मुराद होगा? दोनों हालतें मुराद होंगी, चाहे बंदा अपने लिए मांग रहा हो या रब्बे करीम की तारीफ़ के लिए वो रतबुल लिसान हो। और अगर 2 कलिमात एक साथ आए हुए हों, दुआ और ज़िक्र, तो दोनों का मफहूम अलग अलग हो जाता है। अगर 2 कलिमात एक साथ आ जाएं, तो दोनों का माना अलग अलग होता है। जैसे रात के दरस में मैंने बताया था कि तौबा और इस्तिग़फ़ार अगर अकेले अकेले इस्तेमाल में आए, तो हर कलिमा दोनों के मफहूम को जामे और शामिल होता है, और अगर इकट्ठा इस्तेमाल हो तो दोनों का अलग अलग मफहूम है। बेआईनी ही यहाँ दुआ और ज़िक्र का भी है कि अगर दोनों एक साथ मज़कूर हों तो दुआ से मुराद सवाल है, और ज़िक्र से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, खूबी और हमदो सना पर मुश्तमिल कलिमात हैं। सवाल का मतलब दुआ, सवाल का मतलब दुआ, बंदा दुआ कर रहा है यानी मांग रहा है, और ज़िक्र का मतलब क्या होगा?
बंदा अपने रब की तारीफ बयान कर रहा है, उसकी किबरियाई बयान कर रहा है, उसकी हमदो सना बयान कर रहा है, ये माना जिक्र का होगा अगर दोनों कलिमात एक साथ इस्तेमाल में आ रहे हों। तो इस माना को जहन नशीन रखें कि दोनों कलिमात एक साथ आए हुए हैं तो ज़िक्र से क्या कहना मकसूद है और दुआ से क्या कहना मकसूद है, इसको जहन में रखें।